नेत्रायोः काजालम्, तव नेत्रायोः काजालम् मां करोति कान्ते विद्धम्। त्वं सहजं पादं रक्षे, मम हृदस्पन्दयते श्रोणिः। मां पालं पालं प्रतिपालं स्मरणं ते तप्यतिरे हये। ते रूपं हृद्यं विश्याग्निं ज्वालयति। मां पालं पालं प्रतिपालं स्मरणं ते तप्यतिरे हये। ते रूपं हृद्यं विश्याग्निं ज्वालयति। तव नेत्रायोः काजालम्। संस्कृत को देवभाषा इसलिए कहा जाता है कि तमाम वैदिक साहित्य की रचना संस्कृत में हुई। यही कारण है कि संस्कृत को ब्राह्मणों की भाषा समझा जाने लगा। लेकिन रीवा के एक दलित युवक ने संस्कृत में उच्च शिक्षा हासिल कर इस मिथक को तोड़ दिया है। रीवा के दिव्यांग इंद्रजीत साकेत की आंखों में बचपन से ही रोशनी नहीं थी, लेकिन संस्कृत के प्रति उनका गहरा लगाव। इंद्रजीत बनारस की हिंदू यूनिवर्सिटी से संस्कृत में ग्रेजुएशन कर रहे हैं। उनकी खासियत यह है कि वे हिंदी गानों को संस्कृत में अनुवाद करके उन्हें उसी लय में गाते हैं। मतलब आधुनिक गीत है वो धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना, आप सब सुने हैं। हर पल आए मेरी यादा बिच आए तू, इसी प्रकार से संस्कृत में है, पूरा संस्कृत में सुने। हिंदी में तो आप सब सुनते ही हैं और गुनगुनाते भी हैं, संस्कृत में भी आप लोग गुनगुनाते हैं, सुनते हैं। जो नहीं सुने हैं वो सुने और गुनगुनाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। प्रतिपाल मम संस्मरणम्, संस्मरणे मात्रम् त्वम्। हृदयस्यां मां वार्तां कथयान्याहं कम्। प्रतिपाल मम संस्मरणम्, संस्मरणे मात्रम् त्वम्। हृदयस्यां मां वार्तां कथयान्याहं कम्। तव मम तव एक प्राणः किं कुर्याम्। भ्रमानि नृत्यानि गायानि लेख्यामि तव कृत किं कुर्याम्। शनैः शानैः मम जीवने आगच्छ, शानैः शानैः मम हृदयं चोरय। त्वत्कः प्रेम कते मे शुभ्रे प्रियता मे, शतमेलने जानीहि ज्ञापने। शायं हि तत् कार्यं हि तत् त्वां विना सुप्रिये। निद्रा नहि त्वरामो नहि त्वां विना सुप्रिये। शायं हि तत् कार्यं हि तत् त्वां विना सुप्रिये। निद्रा नहि त्वरामो नहि त्वां विना सुप्रिये। तव मम तव एक प्राणः किं कुर्याम्। भ्रमानि नृत्यानि गायानि लेख्यामि तव कृत किं कुर्याम्। शनैः शानैः मम जीवने आगच्छ, शनैः शानैः मम हृदयं चोरय। इसके साथ ही वे रामचरितमानस का गायन भी करते हैं। इसके लिए उन्हें काफी प्रसिद्धि भी मिली है और उन्हें स्थानीय कार्यक्रमों में बुलाया जाता है। उन्होंने बताया कि बनारस में वे संस्कृत के कई विद्वानों की संगत में रहे, जहां से उन्हें संस्कृत सीखने का अवसर मिला। उन्हें कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। उनका कहना है कि संस्कृत को पूजा पाठ और ब्राह्मणों की भाषा समझा जाता है, लेकिन वह अपनी प्राचीन भाषा है और हमारे पूर्वज पहले इसी भाषा का उपयोग संवाद के लिए करते थे। संस्कृत में लोग पढ़ें आगे संस्कृत को बोलें, क्योंकि जितनी शुद्ध और परिष्कृत भाषा संस्कृत है, हमें नहीं लगता है कि और भी भाषाएं हैं। इसमें वैज्ञानिक शोध भी हुआ है। इंद्रजीत के इस दृष्टिकोण पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।